मेंटेन कर सकते हैं। तो पोस्चर का एक दूसरा इशू मैं कहता हूँ कि महाराजा आसन अवॉइड करें, ये पूरा पेट आपका लंग्स एंड हार्ट ये सब प्रेस होता है जो आप झुक करके बैठते हैं, जिसकी वजह से आपका इनहेल ऑक्सीजन का बहुत कम होता है। तो मैंने एक सिंपल सिटिंग भुजंगासन डेवलप किया है, बैठ करके भुजंगासन अगर आप एक बार फॉलो करेंगे दिन में 5-6 बार भी, और 7 times 7 seconds 49 seconds वेरी सिंपल, ट्राई टू चेस्ट डाउन एंड लुक अप विद इनहेल 7 seconds होल्ड देन रिलैक्स, केवल 7 seconds 7 बार अगर आप करते हैं तो आपके ये बैक बोन का जो पोस्चर दिन भर के वर्किंग में या टीवी देखते समय नॉर्मली बैठ करके पोस्चर मुड़ जाता है, नॉर्मल सिटिंग में भी आप जब बैठते हैं पोस्चर मुड़ता है, उसकी वजह से बैक का चांस बट लंग्स एंड हार्ट की वीकनेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। मेरा कहना है कि अगर आप 7 seconds 7 बार इस पोस्चर फॉलो कर लेंगे और दिन में 4 से 5 बार, मैं चाहूँगा एक बार एक बार सभी लोग 7 seconds और 7 बार करें, ट्राई टू चेस्ट डाउन पोज को होल्ड करके चेयर का 7 सेकेंड लुक अप। मैं कहता हूँ कि अगर आपका बैकबोन की फ्लेक्सिबिलिटी आपने इंक्रीज कर लिया और डाइजेशन सिस्टम को इम्प्रूव कर लिया तो आप यंग रहेंगे, आपकी फिटनेस बढ़ती जाएगी। वेरी सिंपल, ट्राई टू चेस्ट शुड बी डाउन एंड होल्ड विद इनहेल एंड 7 सेकेंड एंड 7 times रोटेशन ऑफ द शोल्डर, दीज 2 एक्सरसाइजेज एंड 3 सिंपल पॉइंट्स, प्रेसिंग ऑल दीज टिप्स ऑल फिंगर टिप्स प्रेस एंड रोटेट, दिस इज एनर्जाइज द नर्व्स ऑफ द ब्रेन एंड अदर पार्ट। सेकेंड, वीनस माउंट thumb joint area, this is for the joints, nerves and stomach and skin also, arthritis also, hair and pimples and wrinkles, and third opposite of the handle the V shape, isme kafi dard hota hai agar aap isko halka sa bhi press karenge isme ek acha dard mehsoos hota hai, lekin agar aap practice karne lag jayenge maybe to gas acidity and digestive system ko improve kar aapke migraine and headache bahut sari cheeze aapki improve kare, विटामिन डी की कमी बहुत सारी चीज़ों की वजह से प्रॉब्लम होती है। एक मैं भी हर्ब हिमालय का होता है सी पकथॉर्न, उसको यूज करा रहा हूँ, बहुत सारी प्रॉब्लम्स में उससे फ़र्क पड़ा है डाइजेस्टिव सिस्टम पर, नर्व्स एंड जॉइंट्स की प्रॉब्लम में भी फ़र्क पड़ा है। तो सी पकथॉर्न का एक मेरे पास कंप्लेंट है, अगर कुछ लोग चाहें तो उसको मैं आपको बता दूंगा, उसका जूस यूज कराया जाता है, उसका ऑयल उसका सीड्स का ऑयल है वो तो बहुत एक्सपेंसिव है जो विदेश जाता है, लेकिन जो सिंपल पॉइंट्स मैं कह रहा हूँ, अगर आप सिंपल प्रैक्टिस ऑल फिंगर टिप्स Venus mount opposite of the hand, 3 points, 2 simple exercises, sitting bhujangasana, rotation of the shoulder, अगर आप follow करेंगे आपकी total system में फर्क पड़ेगा। और time अलग से नहीं निकालना है, बिना समय निकाले इन चीजों को आप follow कर सकते हैं, इसका benefit आपको मिल सकता है। धन्यवाद। और clapping अपने लिए क्या करें, जब भी clapping करते हैं आप अपने लिए clapping, आपके हाथ से clapping जोर से। धन्यवाद। May we call upon one awardee school, Alcon Public School. Alcon Public School, please come. The team members are most welcome to come here. May I call upon Madam Brigitte Elizabeth Key, our guest of honor from United States of America, to kindly come and present them this special award to Alcon Public School. So, Bernard Bhaiyo, अभी कार्यक्रम के बाद बाद में चाय की व्यवस्था है, चाय बिस्कुट कॉफी आप लेके जाएंगे, सभी लोग रुके थोड़ी देर, अवार्ड की घोषणा होगी। यस, इंट्रोडक्शन आई वुड लव टू शेयर विद यू ऑल, अभी हम लोग बहुत लिमिटेड हैं यहाँ पे, बट आई बिलीव अगर एक के पास भी मेरा वो मैसेज पहुँच गया जो मैं बोलना चाहता हूँ, आई विन दिस थिंग, यू नो व्हाई आई एम हियर। इंट्रोडक्शन ऑफ माइन इज नॉट टू हाईलाइट व्हाट आई हैव अचीव्ड, बट देर इज समथिंग विच आई फिल इन दिस बट इन अ लेटर पार्ट। इन 2016 last year April I created 2 world records by playing 1208 notes in 1 minute on piano, and
three notes in 1 second. And that was based out of Indian classical music. Generally, when piano ki baat aati hai, 99, I'll say, you know, it is a Western instrument, so everybody expects the same symphonies which we have been brought up listening to. I believe music upar wale ki wo baksh hai, which is par any language, be it Indian classical or Western classical, be it jazz, pop, or any ragini for that matter. Everything is universal. And mere saath to bahut aise experiences hue which, you know, in the international concerts where the language was a big barrier, but yet we jammed for 40 minutes without understanding our language of, you know, which is being taught by humans, and we created music on the language being created by the Almighty, that is music. Coming ahead, God's grace, Bharat Gaurav, Haryana Ratna, Rajiv Gandhi Excellence Award, and bahut sare awards mile, 43 world record titles mile. Now is the time to fill that, but I started my conversation. These awards are not mine. Ye hamare hain. You know, on every world record title, it's written Dr. Arun Bhatla from India. So it is ours. And I believe that blessing all the knowledge. And talking about the skill abhiyan, I'll say, you know, ek chhota sa initiative maine liya. I've started up with a diploma course on music composition. It is, you know, again, breaking all the barriers of Indian classical and Western classical. Everything is absolutely interconnected. Any of you are from the music background or understand a bit of music here, talking about major scales, minor scales, have you ever heard of these terms? The youngster is sitting right in front. Major scales, minor scales. Anyway, jo hamare major scales hote hain Western classical mein, they are called Bilawal Thaat in Indian classical. Asavari Thaats are minor scales. You know, language is the same. And mera prayas yehi hai ki main apne is course ke through ek aage jo bhi seekh rahe hain, be it a student or an elder person, they are able to create their music. They are able to you know, establish themselves as a composer, as a pianist for that matter, as a music teacher. I'm really blessed. Mere bahut sare students hain jinke apne institutes hain. I'm again blessed to have the youngest pianist of our nation as my student. And so on, you know, journey is on. So I need your blessings and support always. And I'm available at, this is not a marketing stunt, so trust me. I'm available on social media everywhere. Aap apne Bhatla Google pe daalenge, aapko mil jayega. And anywhere I can be of any help to anybody spreading this beautiful piece called music, I'll be there. Thank you so much. For your presentation, and we are sure many of music lovers will contact you very soon on telephone or email or otherwise. You are on the social media also, the Facebook and LinkedIn, etc. So congratulations once again. Friends, may I call upon Dr. Manoj Srivastava, the renowned scientist, and who will present briefly regarding his idea of girl-centric skill-based education. Dr. Manoj Srivastava is a PhD, doctorate from IIT Kanpur, and B.Tech and PhD, and a renowned scientist who has a big plan providing jobs to say about 2 billion people, and then creating tons of money for anybody who is unemployable will become fully employable. मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक किया है आईआईटी कानपुर से 1987-91 और पीएचडी आईआईटी कानपुर से किया है क्वांटम न्यूरो इन्फॉर्मेटिक्स ऑफ माइंड एंड कॉन्शसनेस. ये सब्जेक्ट दुनिया में पहली बार डेवलप किया है और इस रिसर्च पर बेस करके मेरे कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स हैं. जहाँ तक मुझे बताया गया था कि प्रोग्राम इन्वायरमेंट पे है, इन्वायरमेंटल स्किल्स, इन्वायरमेंटल स्किल्स,
अच्छा एनीवे नहीं नहीं ठीक है, मैं बोलता हूँ प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट बेस्ड एनवायरमेंटल एजुकेशन पे ही बोल दूंगा। तो पहले तो ये बात ये है कि एजुकेशन सिस्टम क्यों गलत है ये समझना, दूसरी बात स्किल बेस्ड एजुकेशन क्यों, तीसरी बात स्किल भी कैस किस प्रकार की, मॉडल ऑफ डिजिटलाइजेशन भी क्वेश्चन पे है, और चौथी बात हमारे प्रोजेक्ट्स। तो पहली बात सर, तो पहली बात सर थोड़ा सुनिए सर, सर आप आपको ही सुना रहा हूँ सर, तो पूरी दुनिया का जो एजुकेशन सिस्टम है वो टोटली गलत है। क्यों गलत है? इसलिए गलत है क्योंकि वो जिस डेवलपमेंट मॉडल पे खड़ा है वो नेचुरल रिसोर्सेज लाइक लैंड गोल्ड मिनरल्स की वैल्यू करता है, कैपिटल की वैल्यू करता है, और कस्टोडियनशिप को वैल्यू करता है। तो इससे क्या प्रॉब्लम है? इससे प्रॉब्लम ये है कि केवल कुछ लोग ही जिनके पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं या कैपिटल है या कस्टोडियन सपोर्ट, वही इंस्टीट्यूशंस खड़ा कर सकते हैं। हम तो आप खड़े नहीं कर सकते, हम तो आप सिर्फ जॉब ले सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं। तो कस्टोडियन सेंट्रिक मॉडल होने के कारण, कैपिटल इंटेंसिव डेवलपमेंट मॉडल के कारण, और नेचुरल रिसोर्सेज लाइक लैंड गोल्ड मिनरल्स के कारण हम आप इंस्टीट्यूशंस नहीं खड़े कर सकते, पहली बात ये। दूसरी बात, जो इंस्टीट्यूशंस खड़े करेंगे वो कभी भी गरीबों का कल्याण नहीं कर सकते, कभी भी, और टीचर्स का भी शोषण करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि जिसने 100 करोड़ रुपया लगाया है यूनिवर्सिटी खड़ा करने के लिए, वो गरीब को कैसे फ्री में पढ़ा देगा? उसका तो पहला उद्देश्य ये है कि भाई मेरे 100 करोड़ रुपया निकले नहीं तो मैं ही मर गया। तो पहली बात यह है कि मेरे आपके पास 100 करोड़ नहीं है तो हम आप इस सिस्टम से बाहर हैं, और दूसरी बात अगर किसी के पास हैं तो वो शोषण करेगा ही करेगा, चाहे वो जितना भगवान हो, उसकी मजबूरी है शोषण करना। तीसरी बात, लोग कहते हैं IIT बहुत बड़ा काम कर रहा है, मुझे लगता है IIT सबसे बकवास सिस्टम है पूरी दुनिया में। हार्वर्ड, MIT और ये IIT जैसे रद्दी इंस्टीट्यूशंस तो नहीं होने चाहिए। क्यों? पूरी एक IIT 5000 स्टूडेंट्स को पढ़ाता है, इसका मतलब ये हुआ कि पूरी दुनिया के 740 करोड़ लोगों में केवल कुछ लाख करोड़ स्टूडेंट्स ही हार्वर्ड, MIT और IIT पढ़ सकते हैं, बाकी सब तो छोटी मोटी नौकरी करेंगे, छोटे मोटे काम करेंगे, खेतों में, इंडस्ट्री, अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में काम करेंगे। तो IIT तो सबके लिए है ही नहीं, IIT तो सिर्फ कुछ लाट साहबों के लिए है, IIM तो कुछ लाट साहब के लिए है। वो लाट साहब क्या करते हैं? IIT IIM में बहुत स्पेशल ट्रेनिंग लेकर कंपनी में काम करते हैं। किसके लिए काम करते हैं? कहते हैं समाज के लिए काम करते हैं। क्यों? टैक्स मिलता है। अरे भाई, समाज के लिए काम करने से पहले आप जो जिसके लिए काम कर रहे हो वो है कैपिटलिस्ट। कैपिटलिस्ट को गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है, गवर्नमेंट कैपिटलिस्ट के थ्रू टैक्स ले रही है, तो जाहिर सी बात है कि हम अपने काम का 100% जो काम करने वाला है, एक तो 100% वो प्रॉफिट नहीं पा सकता, दूसरे वो जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वो समाज के लिए नहीं डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा, वो कैपिटलिस्ट के लिए डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, वो गवर्नमेंट के लिए हो रहा है। टैक्स के नाम पे गवर्नमेंट जो योजनाएं चला रही, वो फिर से उसका इंडस्ट्रियल मॉडल ही ऐसा है कि जब वो कोई बड़ा टैक्स लगाने वाला या कोई प्लान यूज इंप्लीमेंट करने वाला कोई ज़्यादा रिसोर्स जनरेट करेगा तब वो जॉब जनरेशन करेगा। हमारा इंडस्ट्रियल मॉडल ही ऐसा है कि हम कहीं पर कुछ बड़ा पैसा इन्वेस्ट करके कुछ बनाएंगे, कुछ लोगों को जॉब तो जरूर देंगे, लेकिन प्रॉफिट इन्वेस्ट करने वाले को मिलेगा, ना कि समाज को मिलेगा। तो हमारा इंडस्ट्रियल मॉडल ही एकदम गलत है। अब तो यही सा चलेगा। मेडिटेशन हम सबके लिए बहुत ही सुना हुआ शब्द है, लेकिन जो लोग करते हैं मेडिटेशन और उसको महसूस नहीं कर पाते, वो डरते भी हैं। वो ये कहते हैं कि जैसे ही हम मेडिटेशन में बैठते हैं ऐसे ऐसे थॉट्स आते हैं जो पहले कभी नहीं आते थे। बैठते हैं पूजा करने के लिए और ख्याल आते हैं मार्केट के। ध्यान या मेडिटेशन जिसको हम कहें,
सबसे सरल प्रक्रिया है मनुष्य के जीवन की। एक बच्चा पैदा होता है तो ध्यान लेकर ही पैदा होता है। ध्यान को अगर हम समझें तो संसार के अर्थों में जिसे हम ध्यान कहते हैं वो आध्यात्म के अर्थों के ध्यान से अलग है। संसार के अर्थ में ध्यान का मतलब है होश से काम करना। हमारा जो होश है वो बाहर की चीज़ों के लिए है, बाहर के व्यक्तियों के प्रति है। अध्यात्म में जब हम ध्यान कहते हैं तो हमारा मतलब है होश हमारा स्वयं के प्रति हो। बस इतना ही फर्क है। बाहर जिस चीज को हम ध्यान देते हैं उस चीज की सफलता सुनिश्चित हो जाती है, और भीतर अगर हम स्वयं पर ध्यान देते हैं तो हम स्वयं को जान लेते हैं मैं कौन हूँ। महर्षि रमण का ये मूल प्रश्न है कि मैं जान लूँ मैं कौन हूँ। और हम सबके मन के भीतर भी ये सवाल बड़ी बार उठता है कि कौन है हम, क्यों आए हैं इस दुनिया में, क्या मिशन है हमारा, क्या लक्ष्य है। कभी कभी कुछ काम हम ऐसे करते हैं जिनसे हमें आत्मिक संतुष्टि मिलती है तो लगता है कि हाँ इसी काम के लिए हम आए हैं, लेकिन वो बड़ी क्षणिक होती है और उसके बाद लगता है नाउ व्हाट नेक्स्ट। तो क्या ऐसी कोई स्थिति है भीतर जहाँ हम अपने भीतर उस शांति को उस स्थिरता को महसूस कर सकें, जिसे मैंने कहा कि मैं कौन हूँ। अगर हम मोटे तौर पर समझें तो हमने जिसे जाना है पहला है हमारा शरीर का तल, जिसका हमारे मन का तल। हमारा मन विचारों से बना है, तरह तरह के विचार आते हैं चले जाते हैं। कल जो विचार हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट थे आज कुछ मायने नहीं रखते। आज जिन विचारों के लिए हम झगड़ा कर सकते हैं कल हो सकता है वो कोई मायने ना रखें। अगर हम याद करें बचपन में किसी बात पर किसी से झगड़ा हुआ, मार पिटाई हो गई, और आज उस बात को याद करके हमें हंसी आती है। और उसके भी भीतर है हमारे भावनाओं का तल। हमारे अंदर फीलिंग्स उठ रही हैं, बदल रही हैं। पहले उपनिषद के ऋषि कहते थे कि तुम नेति नेति कहो और जान लो अपने भीतर कि मैं कौन हूँ। नेति नेति का अर्थ है कि ये शरीर मैं नहीं, क्योंकि ये शरीर जैसा कल था आज नहीं है, शरीर बदल रहा है। अगर हम अपनी बचपन की फ़ोटो हमें हमारे माँ बाप ना बताएं कि ये तुम हो तो हम पहचान भी नहीं सकते कि ये हम ही हैं। शरीर इतना रूप बदल लेता है। ऐसे ही जो विचार कल थे वो आज नहीं है। तो उपनिषद के ऋषि कहता है कि ये शरीर मैं नहीं, क्योंकि ये जो मैं आज हूँ ये फिर बदल जाएगा। ये मन मैं नहीं, क्योंकि ये जो मन आज है ये कल नहीं था और फिर कल फिर नहीं हो जाएगा। ऐसे ही भावनाएं भी बदल रही हैं। लेकिन आज का जो हमारा वैज्ञानिक मन है उसमें अभी ओशो से मैं जुड़ी हूँ, उनके छोटे भाई जिनके साथ जिनके गुरुता के तले रहकर मैंने ध्यान का थोड़ा सा अभ्यास किया है। वो ये कहते हैं कि तुम छोड़ने वाली बात को ही छोड़ दो। तुम कहो कि ये शरीर भी मैं हूँ, ये मन भी मैं हूँ, ये भावनाएं भी मैं हूँ, और इसके भीतर जो इन सब को जान रहा है वो भी मैं हूँ। Would like to adopt it and let other schools also get proper training from you to implement this program for the students and teachers and the guardians. Thank you very much. So friends, now is the time for proposing the vote of thanks. After the vote of thanks, the awards will be presented. ये धन्यवाद ज्ञापन का काम पहले इसलिए हो रहा है कि अवार्ड मिलने के बाद हम सीधे बाहर चलेंगे और चाहे कॉफी लेकर के आप अपने अपने घर जाएंगे। तो धन्यवाद ज्ञापन का जो काम है दैट इज बीइंग प्रपोज्ड बाय डॉक्टर उत्कर्ष शर्मा, डायरेक्टर ऑफ द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्लीननेस एजुकेशन एंड रिसर्च। Organizing committee of the National Skill Development Summit and its sponsoring agency, namely Confederation of Indian Universities, the Indian Institute of Ecology and Environment, the National Community College for Skill Development, and the National Institute of Greenness Education and Research. Besides the International Association of Educators for World Peace, which is affiliated to the United Nations, and its member organization offers sincere thanks to each one of you for sparing your valuable time for attending this important summit, which is related to skill development.
the credit for strengthening the cause of skill development in general and promoting cleanliness, hygiene and sanitation skill in particular goes to our learned Prime Minister Sri Narendra Modi, who is dedicated for the cause of making our country to greater and bigger heights in the coming decade. All the ideas given by the learned speakers, including the Honorable Chief Guest and Honorable Guest of Honor, will be considered to be incorporated in our master plan and the vision document to be brought out very soon based on the deliberation, resolution and the recommendations. Our slogan has been on the idea given by our patron, Chancellor Dr. Priyaranjan Trivedi, who had announced more than 40 years back for catching the children young. And it is in this contest that so many school students have been invited to be caught young so that they may become didactics for future, educate their father, mothers, guardians, teachers, colleagues, rather than the entire neighborhood. With these words, while thanking each of you present here, may I all invite you to come and join us for a tea off, for a cup of tea or coffee after this. Thank you. Principal and the schools who have participated in the skill development movement. In the forenoon, we had 4 number of participants. In the afternoon, we had invited similar number of participants, but they thought they will get the awards collected because many students and many teachers generally do not get ready to spare time between 2 and 5. So that is their private time. And they feel that the school hours are only up to 1. So after 1, they feel like going home. So that is not a good idea. Those who have not been present,